नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जवानों के एक्शन से नक्सली बौखला गए हैं और नक्सलियों ने हिट लिस्ट जारी की है जवानों की। 10 डीआरजी जवानों की हिट लिस्ट जारी की गई है। आंगनबाड़ी सहकारी दुकान में जवानों का नाम लिखा है। भैरमगढ़ इलाके में पोस्टर लगा दिए गए हैं। ग्रामीणों की पिटाई का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी नेताओं को मार भगाने का भी जिक्र है इसमें। आसपास के पेड़ पर पर्चे चिपका दिए गए हैं। मजदूरों को भी धमकाया जा रहा है। पुल पुलिया सड़क के काम नहीं करने की धमकी तक दी गई है नक्सलियों की तरफ से। तो ये आप देख रहे हैं कैसे जो है एक पर्ची चिपका दी गई है, इसमें जो है तमाम जवानों के नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा लोगों को भगाने का भी आरोप लग रहा है। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, नक्सलियों ने जो ये पोस्टर लगाए हैं उसके जरिए वो संदेश क्या देना चाहते हैं? बीजापुर जिले के जो भैरमगढ़ इलाका है वहां पर एक वीडियो सामने आया है जहां पर जो माओवादियों ने काले स्याही से अक्षरों से आंगनबाड़ी केंद्र हो गया सहकारी समिति केंद्रों में बकायदा चुनावी बहिष्कार का नारा लिखे हैं। साथ ही जो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आने पर मार भगाओ के लिखा गया है। इसके अलावा जो 10 जवान हैं उसके नाम वो लिखे हैं, पर्चा फेंका गया है कि जो 10 जवान हैं उन पर ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया है और सजा देने की बात कही है। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर बीजापुर ने सफाई दी, कहा है कि ये जो इलाका है चूंकि माओवादी इलाका है और ग्रामीण भी वहां पर ये जो लिखा हुआ शब्द को हटा सकते हैं, लेकिन कारण क्यों है कि कब लिखा गया इसकी जाँच की जा रही है। हाँ, ये जरूर है जो लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों में ये पुराना है, लेकिन पर्चा नहीं आया है। पर्चे में जो डीआरजी जवानों को मारने का उल्लेख किया गया है, उनको बकायदा 10 नाम लिखे गए हैं और उनको जल्द सजा देने की बात की है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर बीजापुर पुलिस जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रीनिवास। तो ये बड़ी बात ये है कि नक्सलियों की तरफ से लिस्ट जारी की गई है और इसमें कई जवानों के नाम लिखे गए हैं, हिट लिस्ट जारी की गई है। गरियाबंद की बात करेंगे जहां 3 आईईडी बम बरामद हुए हैं। जंगल में पुलिस सर्चिंग में 3 आईईडी मिले हैं। पुलिस बल के बीडीएस ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। जंगल में पुलिस को नक्सलियों का डेरा दिखा, फोर्स को आते देख मौके से नक्सली भाग गए। तो ये आईईडी ब्लास्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे नष्ट किया गया है। नक्सलियों ने ये हरकत की है आईईडी प्लांट करने की, लेकिन समय रहते इस पर जवानों की नजर पड़ी और फिर इसे नष्ट किया गया। और अब बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां एक महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर उसने सरेंडर किया है। कटे कल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय थी ये महिला। अब तक 802 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और एक महिला और इस लिस्ट में जुड़ चुकी हैं। और ये महिला आप देख सकते हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, लोन वराटू से प्रभावित होकर उन्होंने सरेंडर किया है। बिलासपुर तहसील कार्यालय में एसीबी ने छापेमारी की है और लगभग 1 लाख की घूस लेते आरआई को गिरफ्तार किया गया है। आरआई संतोष देवांगन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन के सीमांकन के लिए उन्होंने रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने एसीबी से शिकायत की थी। तहसील कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। तो रिश्वत की जब शिकायत मिली तो कार्रवाई की गई है। हालांकि लंबे समय से लोग परेशान चल रहे थे रिश्वत को लेकर, जिसके बाद अब कार्रवाई की है गई है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। कोई भी छोटा कार्य कराना हो उसके लिए रिश्वत देना पड़ता था और 1 लाख की घूस लेते आरआई को गिरफ्तार किया गया। और अब बात कोंडागांव की करेंगे, जहां कोंडागांव में एसीबी ने छापेमारी की है। कार्यपालन अभियंता के घर पर ही छापेमारी की गई है। टीआर मेश्राम के घर पर छापेमारी हुई है। बिल पास करने के लिए
ठेकेदार से पैसे मांगे गए। ठेकेदार तुषार देवांगन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। टीआर मेश्राम के घर पर ये छापेमारी, और बिल्कुल भी इस तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक संदेश है। एसीबी की छापेमारी कोंडागांव में, टीआर मेश्राम के घर पर छापेमारी की गई है। बिल पास करने के लिए ठेकेदार से पैसे मांगे थे, जिसके बाद ठेकेदार तुषार देवांगन की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में 80 परिवार की घर वापसी की गई है। हिंदू धर्म से भटके 80 परिवार की घर वापसी हुई है। घर वापसी के लिए अभियान चलाया गया था, आचार्य सतानंद महाराज की अगुवाई में अभियान चलाया गया और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। सतानंद महाराज ने कहा कि आगे भी इसी तरह इस अभियान को चलाते रहेंगे। के मंच पर लगभग दूसरे दिन तो 7 लोग थे, तीसरे दिन फिर भी कुछ लोग थे, और अभी कल तक लगभग 80 परिवार की घर वापसी हो चुकी है। जो पूर्व में ईसाई बन गए थे, अब वो पुनः अपने जो है पुरातन जो सनातन संस्कृति जो उनकी परंपरा थी उसमें वापस लौटे हैं, स्वेच्छा से लौटे हैं। कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई लोभ नहीं था, स्वेच्छा से आए हैं। कांकेर से खबर, जहां अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई और भिरौद रेत खदान पर प्रशासन ने छापेमारी की है। चेन माउंटेन से अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा था, प्रशासनिक अमले के साथ एसडीएम मौके पर मौजूद रहे। सभी रेत खदानों में हड़कंप मच गया है।